अब हम थोड़ा दौड़ लगाने वाले हैं। उससे पहले मैं जरा अपनी थोड़ी पैंट कर लूं ऊपर, क्योंकि मैंने की थी ये नई परचेज और ये है मेरी अभी लूज। तो अब स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे 22 अगस्त एंड वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन। सो विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन फ्रॉम मी। सो गाइस, दिस इज DJI Osmo Action। ये मैंने परचेज किया था 15 दिन पहले और एक हफ्ता पहले मैंने इसकी डाली थी अनबॉक्सिंग वीडियो। सो जिस बंदे ने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो में इसका करेंगे रिव्यू और बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। मैंने परचेज किया था ये मोटो ब्लॉगिंग के लिए। सो चलिए रिकॉर्ड करते हैं कुछ फुटेज। सबसे पहले जो बंदा चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक करे। 4K में शूट हो रहा है और जो फ्रेम रेट है वो 30 FPS है। वैसे जो अभी चल रहा है 4K जो एक्शन कैमरे अभी चल रहे हैं जो वो 4K 60 FPS पे मैक्सिमम चल रहे हैं। और वैसे भी मेरे लिए 4K तो बहुत ज़्यादा हो गया मेरे लिए, क्योंकि फिर इसमें जाहिर सी बात है क्वालिटी तो होगी अच्छी, लेकिन क्या है कि फिर मेरे पास स्पेस तो भाई का। लास्ट फुटेज में आपने देखा होगा मैंने 4K 30 FPS से स्टार्ट किया है, जब भी करना चाहिए था मैंने 4K और 60 FPS से। तो भाई बात ये है, मेरा जो फ़ोन है जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ये 4K 60 FPS सपोर्ट नहीं करता। तो वैसे तो मैंने इस बारे में वीवो को मेल डाली है, तो उन्होंने प्राइवेट चैट मेरे को कल भेजने वाले हैं और साथ में मेरे को इतना बड़ा गुलदस्ता लेके आएंगे और मेरे को वो देंगे। और काश यार जो मैंने ये बोला है ये सच होता सब। और उसके बाद आप लोग सेकंड पॉइंट ये कि आप देख रहे होंगे यार वीडियो तो बहुत हरा हरा दिखाई दे रहा है यार वीडियो में, तो भाई मैंने इसमें थोड़ा ना बस कलर जो मैंने ग्रीन कलर है उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, उसके अलावा मैंने कोई एडिटिंग नहीं की है इसमें, बाकी सेम बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी वगैरह सब सेम है, मैंने उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की। तो भाई अब और हरी हरी वीडियो देखते हैं, चलो। तो भाई ये है 2.7K और इसमें भी जो फ्रेम रेट है वो 3 है, 20 है और 25 है और 30 है। तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हो रहा है 2.7K और 30 FPS। एक्चुअली यार बहुत सारे इसमें जो फ्रेम रेट हैं वो बहुत सारे दिए हैं 4K में, सो अब इतना तो यार मेरे को इतना यूज नहीं करने वाला मैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग है अभी मैंने बहुत ही मतलब ज़्यादा एडवांस मतलब है ये मेरे लिए, इसमें बहुत एक्स्ट्रा फीचर है मेरे लिए। और ये रिकॉर्ड हो रहा है 1080p और 60 FPS। ये मेरा है भाई फेवरेट फ्रेम रेट रहता है 60 FPS और जो रेजोल्यूशन है वो है 1080p। तो इसमें क्या है, एक तो क्वालिटी आपको मस्त मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, और सेकंड क्या है कि जो इसमें स्पेस है स्पेस ही नहीं मतलब आपका इतना जाता, तो वीडियो की क्वालिटी भी बिल्कुल बढ़िया ही रहती है आपकी। तो मैं मैक्सिमम इसी में शूट करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत मेरे को ब्लॉग भी करना पड़ता है तो मैं इसी से शूट करता हूँ। भाई हरी हरी वीडियो के बाद अब हम चेक कर लेते हैं RS मोड, रॉक स्टडी मोड। एक वीडियो में ऑन रहेगा, एक वीडियो में ऑफ रहेगा। तो भाई चलिए भागते हैं, दौड़ लगाने वाले हैं। उससे पहले मैं ज़रा अपनी थोड़ी पैंट कर लूँ ऊपर, क्योंकि मैंने की थी ये नई परचेज और ये है मेरी अभी लूज। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई अब फिर दोबारा फिर मेरे को पेंट करनी पड़ेगी ऊपर,
तो साइड की आप वीडियो में देख ही रहे होंगे डिफरेंस, एक में आरएस ऑन है, एक में आरएस ऑफ है। आरएस मींस रोक स्टेडी मोड। भाई अब बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो मैंने एडवांटेज में रखे हैं 3 पॉइंट। तो सबसे पहला है डुअल स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन, और ये है सेकेंडरी स्क्रीन। तो भाई क्या है भाई, जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, हमको एंगल तो हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है, कोई एंगल, हम फोटो कर रहे हों या वीडियो शूट कर रहे हों कुछ भी। लेकिन अगर जो ये वाली स्क्रीन है, ये इन लोगों ने दी है ब्लॉग के लिए, ठीक है। तो इस पर स्विच कैसे करते हैं, आपको डबल टैप करना होता है और ये स्क्रीन शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे अब हम लोग ऐसे ब्लॉग कर रहे हैं तो हमें एंगल वगैरह जो भी हैं यहाँ पे सेट कर सकते हैं ऐसे, तो इसलिए ये मेरे अकॉर्डिंग इन्होंने स्क्रीन दी है। तो उसके बाद फिर अगर वापस करना है तो फिर डबल टैप और ये स्क्रीन शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे तो मेरे को पहले नंबर पे मैंने इसलिए इसको रखा है, मेरे को मतलब अच्छा लगा है इसका DJI का, ये ऑप्शन मेरे को अच्छा लगा DJI का। तो फिर सेकंड पे रखा है मैंने इसका वाटरप्रूफ। आप इसको 11 मीटर तक पानी में अपने साथ ले जा सकते हैं, 11 मीटर जाने के बाद आप बंद हो जाएंगे, पर ये कैमरा बंद नहीं होगा, इसकी गारंटी है, बॉक्स पे इसके लिखा हुआ है। बट आपकी कोई गारंटी नहीं है, आप बचोगे कि नहीं बचोगे, तो आप अपनी गारंटी के खुद जिम्मेदार हैं। प्रणाम। वैसे मैं इन फ्यूचर तो मेरे को मालूम नहीं है, बट अभी मैंने खाली बस अभी 2 दिन पहले कुछ मैंने इंस्टाग्राम की रील बनाई थी, रील शूट की थी इंस्टाग्राम के लिए, तो तब ये बारिश में भीग चुका था पूरा, तो मैंने बारिश में शूट किया था। तो हालांकि इसमें कुछ हुआ नहीं, पूरा भीग चुका था पानी में, तो प्रॉपर मैंने टेस्ट नहीं किया, पानी में इसको ले के नहीं आया मैं। तो थर्ड पॉइंट मेरे को क्या लगा, आप इसको फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो, ये पूरा फ़ोन से कंट्रोल होगा। आपको स्लो मोशन बनाना है या फिर 4K में शूट करना है या HDR में शूट करना है या टाइम लैप्स में शूट करना है, वो सब फ़ोन से करेंगे। इसको एक बार जहाँ पे माउंट कर दिया तो कर दिया इसको, फिर आगे मतलब इसको बार बार उतारने का कोई लोड नहीं है। और सबसे उसमें अच्छी खास बात क्या है, DJI का जो मीमो करके ऐप है, उसमें DJI का जो भी स्मार्ट गैजेट्स हैं, जैसे भाई ये कैमरा हुआ, ठीक है, उसका ड्रोन हुआ, ठीक है, और एक दो और जो कैमरे हैं, वो सब एक ही ऐप से वो कंट्रोल होता है। सारे जो DJI के स्मार्ट ऐप हैं, वो मतलब स्मार्ट जो भी गैजेट हैं, वो सब एक ही ऐप से कंट्रोल होते हैं। तो अगर इन फ्यूचर मैं ड्रोन लेता हूँ DJI का, तो मेरे को कोई अलग से ऐप करने का लोड नहीं है, तो वही मेरा ऐप काम करेगा उसमें। उसमें तीन मतलब सारे गैजेट के ऑप्शन हैं उसमें। तो ये तो है भाई मेरे को, ये इसकी मैंने 3 पॉइंट रखे थे इसके, तो मेरे को इसमें काफ़ी अच्छे लगे। और पहला तो है इसमें ये स्क्रीन, जो सेकंड स्क्रीन है, जो ये सेकंड स्क्रीन है, लाइक मेरे को अगर इसमें आपको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ से ये टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर आपको ब्लॉग बनाना है, आप ब्लॉग शूट कर रहे हो, ठीक है, आप शूट कर रहे हो, ठीक है, एंगल वगैरह तो आप सेट कर सकते हो, आपको लगा कि नहीं यार ये मेरे को थोड़ा फ्रेम रेट चेंज करना है इसका, ठीक है, या मेरे को 4K से मेरे को 2.7K में जाना है, तो आप यहाँ से कोई चेंज नहीं कर सकते इसमें। आपको क्या करना होगा, फिर वापस से फ्रंट स्क्रीन पे जाना होगा, यहाँ से आप फिर चेंज करोगे, यहाँ से चेंज करने के बाद फिर आप उधर स्विच करोगे स्क्रीन पे। तो यार ये मेरे को थोड़ा सा लगा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लगी, तो बाकी तो ओवरऑल ठीक है यार। लेकिन फिर भी अगर ये दिया देते, अगर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते तो काफ़ी अच्छा रहता यार। तो DJI को यार ये इसमें थोड़ा सोचना चाहिए इसके बारे में, ठीक है यार, 1000-2000 रुपये जब 25,000 पे पे कर रहा हूँ इसके लिए, तो 2000 रुपये और एक्स्ट्रा पे कर दूँगा यार, कोई दिक्कत नहीं। और फिर सेकंड जो इसमें डिसएडवांटेज है, माइक एक्सटर्नल माइक के लिए भाई इसमें 2 स्लॉट है, एक मेमोरी कार्ड इसमें लगा है, नीचे है सी टाइप, इसमें कनेक्टर लगा है,
तो इसमें एक्सटर्नल माइक का मेरे को अभी तक, वैसे मैं सर्च कर रहा हूँ, मैंने बहुत किया है लेकिन अभी तक इसका एक्सटर्नल माइक आप कनेक्ट नहीं कर सकते इसमें। इसके लिए आपको एक अडेप्टर लेना पड़ेगा और अडेप्टर की कॉस्ट है 2000। तो भाई अगर आपको एक्सटर्नल माइक यूज़ करना है तो आपको 2000 रुपये का एक अडेप्टर ख़रीदना पड़ेगा। वो सी टाइप, जो ये सी टाइप पोर्ट है यहाँ पे वो कनेक्ट होगा और फिर उसमें दो पोर्ट है, एक तो चार्जिंग का पोर्ट है और फिर एक माइक का पोर्ट है। तो भाई दूसरी मेरे को डिसएडवांटेज इसमें ये लगी कि अगर मेरे को एक्सटर्नल माइक यूज़ करना है तो मेरे को वो अडेप्टर ख़रीदना पड़ेगा, तो 2000 रुपये मेरे फिर उसमें लगेंगे। और प्लस फिर मेरे माइक 500-700 रुपये का स्टार्ट, मतलब नॉर्मल है ये, 500-700 का ठीक ठाक आ जाता है, वरना फिर और अच्छा लोगे तो उसके लिए भी लगभग 1500 रुपये आपके लगेंगे। तो ये भी मेरे को थोड़ा सा इसमें लगा कि नहीं यार, कम से कम स्लॉट तो होना चाहिए था इसमें, एक्सटर्नल माइक का स्लॉट होना चाहिए था। अगर आप मतलब मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपने हेलमेट पे लगाया है या फिर यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे माउंट किया है, तो इसकी जो आवाज़ है वो मतलब इतनी अच्छी नहीं आती, इतनी क्लियर नहीं आती। तो आपको क्या करना होता है, एक्सटर्नल माइक लगा के आपको हेलमेट में लगाना होता है, तो तब आपकी जो वॉइस है वो क्लियर आएगी। तो बस ये मेरे को उसमें दो डिसएडवांटेज लगी, बाकी ओवरऑल अच्छा कैमरा है, बहुत बढ़िया कैमरा है, इंस्टाग्राम के लिए भी यूज कर सकते हैं और मोटो ब्लॉगिंग के लिए भी, व्लॉग के लिए भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं। बस इसमें ये दो तीन जो मैंने इसको ये दो जो डिसएडवांटेज है ये इसमें है। और भाई मैंने इसके लिए 25,000 पे किए हैं। अगर आपको इस कैमरे के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और तो भाई वीडियो का करते हैं एंड, वो वीडियो का एंड करने से पहले जो चैनल पे बंदे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी और कैमरे की क्वालिटी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए